أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ईद के खुतबे में मैंने सूरह अल बलद की आखिरी चंद आयात की तफसीर में एक मज़मून बयान किया था जिसका ताल्लुक आज़ादी की हकीकत से था, आज़ादी के फलसफे से था। और ये जमात के सामने मज़मून रखा था कि कुरान करीम के नज़दीक हकीकी ईमान सच्ची आज़ादी के बगैर नसीब नहीं हो सकता। और वो लोग जो खुद अपने नफ्स को आज़ाद करते हैं और लोगों की आज़ादी के लिए कोशां होते हैं, उनको ही हकीकी ईमान नसीब होता है। इसका दूसरा माना, ये तो माना मुस्तंबत होता है उन आयात से, और एक माना ये है कि जो लोग नहीं करते, चुनांचे उन आयात में उन्हीं का जिक्र है, जो लोग ऐसा नहीं करते जब तक वो ऐसा ना करें उस वक्त तक वो ईमान की हलावत को चख नहीं सकते, ईमान उनको नसीब नहीं हो सकता। इन दूसरे मानों में ईमान का अव्वल मुकाम पेश नजर है, यानी वो लोग जो इन कामों में के मुनाफी काम करते हैं, इन बातों के मुनाफी काम करते हैं, जो बजाय लोगों को आजाद करने के उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जो उनके हकूक सलब करते हैं, उनको खुदा की गुलामी के से खींच कर बंदों की गुलामी की तरफ घसीट ले जाते हैं, ऐसे लोग ईमान से आड़ी रहते हैं। जब तक ये काम न करें उस वक्त तक उनको ईमान की अदना हालत भी नसीब नहीं हो सकती। तो जिस किस्म का मफहूम पेश नजर हो उसी के मुताबिक अगली आयत का तर्जमा किया जाएगा। चुनाचे थुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू में दोनों पहलू पेश नजर हैं, इब्तदाई भी और यानी ईमान की इब्तदाई मनाजिल भी और ईमान की बुलंद बाला और आला मनाजिल भी। लेकिन इस सिलसिले में कुछ और बातें भी ऐसी थी जो मैं समझता हूं कि जो कि मजमून बहुत अहम है, जमात के सामने इस खुतबे में रख दूं ताकि ये मजमून इसी तसलसल में बयान हो। जब कुरान करीम ये फरमाता है कि आजादी, गर्दनों का आजाद करना एक बहुत बड़ी नेकी है, फरमाया ये गर्दनों का आजाद करना, बुलंदी पर चढ़ना या मुश्किल रास्ते पर चढ़ने के बराबर है। मैंने उसका गालिबन ये तर्जमा किया था घाटी पर चढ़ना, वो इसलिए कि नजदैन का जिक्र पहले है, दो बुलंदियां दो चोटियां, उनके दरमियान जो सतह मुर्तफा होती है वो उनके मुकाबले पर निस्बतन कम सतह पर है और उसे हम घाटी कहते हैं। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ सफर शुरू करें तो वो घाटी भी एक बुलंदी है, और दो बुलंदियों के करीब तर का दरमियानी रास्ता वो घाटी का रास्ता कहलाता है। चुनांचे अकबा का असल मतलब मुश्किल रास्ता है, कठिन वाला रास्ता, हाँ वो सतह मुर्तफा की तरफ ले जाता हो या आम सतह, आम जमीन की सतह पर भी अगर मुश्किल से चला जाए तो उसको अकबा कहेंगे, क्योंकि
अखब का मजमून एड़ी से निकला है, वो चीज जो एड़ी पर बोझ डालती है वो अकबा वाला रास्ता है। बहरहाल इसकी तफसील की यहां जरूरत नहीं, ये मुराद नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मजमून में कुरान करीम ने यह बयान फरमाया कि बुलंदी का, मुशक्कत का, बुलंदियों की तरफ ले जाने वाला रास्ता वो रास्ता है जो गर्दनों को आजाद करने वाला रास्ता है। और गर्दनों को आजाद करने वाला रास्ता क्या है? गुरबा की खिदमत, मिस्कीनों की खिदमत, यतामा की खिदमत, बेसहारा लोगों की खिदमत। इससे एक ये तासुर भी पैदा हो सकता है कि गोया कुरान करीम के नजदीक आजादी का मफहूम सवाय इसके और कुछ नहीं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। इससे यह तासुर भी पैदा हो सकता है कि अगर यही बुलंदतरीन मुकाम है जिसकी तरफ कुरान करीम ले जाना चाहता है, तो फिर वो लोग जो मफलूकुल हाल लोगों की इक्तिसादी इमदाद करते हैं या गरीब कौमों की इक्तिसादी बहबूद के लिए कोशां हैं, क्या ये वही लोग हैं जिनका कुरान करीम में जिक्र है कि अगर वो ऐसा करें तो वो ईमान के आला मुकामात को हासिल कर लेते हैं? क्या कुरान करीम बसूरत दीगर इश्तराकियत ही की तालीम देता है या किसी और रंग में? और अबा की खिदमत क्यों ही दरअसल इंसानी मेराज के आला मुकामात करार देता है? ये वो पहलू है जो तिश्ना रह गया था, जो मैं समझता हूं कि जमात के सामने खोलकर बयान करना जरूरी है। अमरे वाक़ यह है कि जहां तक गुर्बत, मिस्कीनी और यतीमी हालत में लोगों की मोहताजी का ताल्लुक है, ये सारी चीजें बिलाशुबा गुलामी की तरफ ले जाने वाली हैं। अगर आप तजिया करें तो मालूम होगा कि दर हकीकत गुर्बत के नतीजे में ना इंसान की इज्जत रहती है ना गैरत रहती है। बाज गरीब और मजबूर अपनी इज्जतें वाकईतन बेचते हैं और रिज़्क की खातिर और अपनी बका की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और जितनी ज्यादा गुर्बत बढ़ती है उतना ही दूसरे की मोहताजी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इस दुनिया में कौमी लिहाज से भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहला रहे हैं वो अपनी गुर्बत की वजह से आज भी बड़ी और तरक्की याफ्ता कौमों के गुलाम हैं। और ये वहम है कि वो आजाद हो चुके हैं, क्योंकि गुर्बत और आजादी ये इकट्ठे नहीं रहा करते आम दुनिया के हालात में। मगर ये कहना कि कुरान करीम बिल्कुल इसी फलसफे को बयान कर रहा है और कुरान करीम के नजदीक मजहबी जिद्दोजहद का नाम इसके सिवा कुछ नहीं, मजहबी जिद्दोजहद का खुलासा इसके सिवा कुछ नहीं कि इंसान मफलूकुल हाल कौमों की इक्तिसादी बेहतरी के लिए कोशिश करे और गरीब इंसानों की गुर्बत दूर करने की कोशिश करे, हरगिज ये मुराद नहीं है। इसलिए मैं इस मामले पर जरा तफसील से रोशनी डालूंगा। कुरान करीम ने यह नहीं फरमाया कि गुर्बत और गुलामी एक ही चीज के दो नाम हैं। ये फरमाया है कि गर्दनों को आजाद कराना बुनियादी मकसद है, और जब तुम गर्दनों को आजाद कराने की जिद्दोजहद करोगे, यानी आजादी की जिद्दोजहद करोगे, गुर्बत के खिलाफ जिद्दोजहद का जिक्र नहीं फरमाया पहले, फरमाया गर्दनों को आजाद करना, यानी हर वो शख्स जो किसी बंधन में जकड़ा गया है उसको आजाद कराने की कोशिश करना, यह है आला तरक्यात की तरफ कदम मारना, मुश्किल राहों पर कदम रखना। इस जिमन में याद रखो कि गुर्बत के नतीजे में भी गुलामी पैदा होती है, ये है मजमून। और इस जिमन में याद रखो कि मिस्कीन लोग जो बेसहारा खाक आलूदा सड़कों पर पड़े होते हैं वो भी एक किस्म के गुलाम होते हैं, अगरचे बज़ाहिर वो आजाद भी हों, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी उस मिस्कीनी की वजह से दूसरों की मोहताज हो जाती है और इसलिए वो भी एक गुलामी ही की किस्म है। फिर फरमाया यतीमी भी एक किस्म की गुलामी है, क्योंकि यतीम और बेसहारा लोग फिर मजबूर हो जाते हैं दूसरों के सामने झुकने पर और उनकी मर्जी के ताबे काम करने पर, खादिल चाहे या ना चाहे। बस गुलामी की बास किस्मों का जिक्र फरमाया है, और फरमाया है गुलामी का यह मतलब नहीं कि वाकईतन कॉलोनियलिज्म के जरिए या इंपीरियलिज्म के किसी तरीक से कौमों को गुलाम बनाया गया हो या फर्दन फर्दन किसी को बेचा गया हो तो वो गुलाम बनता है।
बस कुरान करीम बहुत ही बुलंद और बहुत ही वसी मजमून बयान फरमा रहा है और गुलामी की बास किस्मों की तरफ इशारा करता है। फी जाते ही इख्तसादी हालत को बेहतर बनाना और दुनिया कमाना कुरान करीम की इन आयात में पेश नजर है ही नहीं, वो मजमून ही नहीं है बल्कि एक दो मुख्तलिफ मजमून बयान हो रहा है। अब आप दुनिया के फलसफे को देखें, गरीबों की भूख मिटाना या कौमों को इक्तसादी गुलामी से निजात बख्शना या कौमों की इक्तसादी बहबूद के लिए काम करना और फिर कुरान करीम की इन आयात की रोशनी में उसका मुआयना करें तो तब आपको समझ आएगी कि कुरानी मजमून कितना बुलंदतर और कितना वुसत वाला मजमून है और दुनिया के फलसफे और तसव्वुरात उसके सामने कोई भी हैसियत नहीं रखते बल्कि उनके अंदर एक अंदरूनी तजाद पाया जाता है जिस तजाद को ये कुरानी आयात हल कर रही हैं। अब आप गौर से देखिए, गौर करें दुनिया के हालात पर तो आपको मालूम होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था कि गुर्बत दूर करने के नाम पर जितनी आलमी कोशिशें हो रही हैं वो सारी कोशिशें बिल आखिर उन कौमों को गुलामी में जकड़ रही हैं जिनकी गुर्बत दूर की जा रही है। तो कुरान करीम फरमाता है कि फको रकबा तो असल मकसूद था, अगर फको रकबा ही ना रहे तो फिर गुर्बत दूर करना बेमानी हो जाता है क्योंकि गुर्बत दूर करना फको रकबा की खातिर होना चाहिए। फिर इक्तसादी तौर पर आप इश्तराकी दुनिया पर नजर डालकर देखें, वहां भी गुर्बत दूर की गई है एक फलसफे के इतलाक के जरिए, लेकिन अमरे वाकया यह है कि उस गुर्बत दूर करने के नतीजे में हर फर्द को जंजीरें पहना दी गई हैं और इनफिरादी आजादी का कलाखमा कर दिया गया। इसलिए इश्तराकी निजाम खा भूख दूर कर रहा हो वसी पैमाने पर और बहुत मौसर हो इस पहलू से, अब हम नहीं कह सकते कि मौसर है भी कि नहीं क्योंकि इसके बहुत से पहलू हैं जो तहकीक तलब हैं, लेकिन फर्ज करें कि इश्तराकी निजाम अपने दावी में तमाम तर सही साबित हो और गुर्बत और फाकाकशी और एहतियाज का कलाकमा कर दे, लेकिन साथ ही इनफरादियत को भी खत्म कर दे और इनफरादियत को जंजीरें पहना दे, क्योंकि कम्युनिज्म नाम ही इज्तमाइयत का है। कम्युनिज्म का मतलब है इज्तमाली जिंदगी, इज्तमाई जिंदगी जिसमें फर्द की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो उसके नतीजे में भी ये एक तरफ से आजादी दी जा रही है, दूसरी तरफ से आजादी छीनी जा रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इक्तसादी तरक्की के प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे अपने साथ अंदरूनी जंजीरें रखते हैं, सारी कौम जकड़ी जाती है उस माली निजाम के ताबे जिस माली निजाम के जरिए ये मुल्क की हालत बेहतर बना रहे होते हैं और कई तरह से जकड़ी जाती है। अमीर और गरीब में तफरीक बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती, और बाद लोग मजदूर तबका बनकर नस्लन बादा नस्लन वो फिर मजदूर तबका बनते चले जाते हैं और सरमाया चंद हाथों में इकट्ठा होता रहता है और सरमाया हुक्मरान बन जाता है, क्योंकि इन तमाम ममालिक की सियासत में हर जगह बिला इस्तिस्ना सरमाया काम कर रहा होता है। कोई अमरीका का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जब तक तो उसके पीछे सरमाया न हो, कोई यूरोपियन ममालिक का मेंबर पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सकता, कोई का बाशिंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता जब तक उसके पीछे कोई सरमायादारी का हाथ ना हो, उसको कुवत ना दे रहा हो। और भी तफसील से आप मुआयना मुतालिया करके देखें, कहीं जाहरी तौर पर कहीं मख्फी तौर पर कहीं बराह रास्त कहीं बिलवास्ता सरमायाकारी हुकूमत पर काबिज होती है और सरमाए के नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो हमेशा सरमायादारी की हिमायत करती है। इसके सिवा कुछ और भी मनाजिर आपको दिखाई देंगे अवामी मूवमेंट्स के जरिए लेफ्टिस्ट हुकूमतों का आना, लेकिन उसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाता, लेकिन उसमें भी बहुत ही धोखे हैं और बजाहिर जिनको आप समझ रहे हैं कि लेफ्टिस्ट हुकूमतें आ गई हैं उनके पीछे भी सरमाए हैं, अगर अंदरूनी सरमाए नहीं तो बैरूनी सरमाए हैं। और इज्तमाई तौर पर ये सारे निजाम
खुद अपने मुल्क के बाशिंदों को भी गुलाम बनाते हैं, और लेफ्टिस्ट हुकूमत यानी बाएं बाजू की हुकूमत भी हो वो भी अपने मजदूर को अपना गुलाम बनाती है और इस रंग में जकड़ती है कि एक हाथ से आजादी दे रही है, दूसरे हाथ से आजादी छीन रही है। फिर सारा निजाम सरमायाकारी जो इंपीरियलिस्ट ममालिक में मिलता है या बूर्जुआ ममालिक कह लें उनमें मिलता है, हर जगह आप ये देखकर अगर आपके दिल में एहसास है तकलीफ महसूस करेंगे कि इंसान दिन ब दिन मटीरियलिज्म का गुलाम बनता चला जा रहा है, मोहताज होता चला जा रहा है दिन ब दिन मादे का, और उसके रुझानात गुलाम बन रहे हैं। मादापरस्ती इतना बढ़ जाती है कि इंसानी कदरें उसके ताबे हो जाती हैं, और ये रुझान बढ़ते बढ़ते इंसानी कदरों को जकड़ देता है और फिर उनका खून चूस जाता है। एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आती है जिसमें इंसानी कदरों का दम घूटा हो गया है, और रफ्ता रफ्ता एक गैर मरी जंजीरें ऐसी हैं जिनमें इंसान की आजादी इंसान जकड़ा जाता है और उसकी आजादी तलफ हो जाती है। ये मज़मून बहुत तफसीली और गहरे मुताले का मोहताज है, लेकिन जहां जहां भी आप नजर करेंगे आप महसूस करेंगे कि हकीकतन महज इक्तसादी तरक्की का प्रोग्राम इंसान को आजादी नहीं दिलाता, बल्कि वाकया यह है कि हर जगह जो मौजूदा इक्तसादी तरक्यात के प्रोग्राम है वो इंसान को मजीद गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। फिर और भी कई किस्म के ऐसे खौफनाक धोखे हैं इस निजाम में। इंसान जो इक्तसादी तरक्की हो रही है उसके नतीजे में फॉल्स होप्स, फॉल्स तमन्नाएं यानी झूठी उम्मीदें, झूठी तमन्नाएं पैदा की जाती हैं, ख्वाहिशात पैदा की जाती हैं, ताकि कौम बाज अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर बाज अमीर सरमायाकारों की बनाई हुई चीजें खरीदने पर मजबूर हों। इस वक्त यूरोप जिस तरह पॉप म्यूजिक का गुलाम बन गया है, या वेस्ट कहना चाहिए सारा ही तकरीबन, ईस्ट में भी अब इसके असरात बड़े नुमायां तौर पर जाहिर हो रहे हैं, गरीब मुल्कों में भी जाहिर हो रहे हैं। इनके पीछे भी बड़े भारी रैकेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े सरमाए हैं जो पहले अवाम का मजाक खराब करते हैं, मिजाज खराब करते हैं और मजाक बदलते हैं, और उस मजाक को बिगाड़कर वो चीजें मार्केट करते हैं जो उस बिगड़े हुए मजाक को पूरा की तलब पूरा करने के लिए बनाई जाती है। और इस जमन में भी अब इनके बाशऊर लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि हम दिन ब दिन सरमायाकारी की मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में जकड़े जा रहे हैं, और ये शक्लें मुख्तलिफ शक्लें किसी पहलू से जाहिर हों भयानक हैं और मकरूह हैं, लेकिन बहुत हसीन निकाब इन्होंने ओढ़े हुए हैं। तो ये मजमून बहुत तफसीली और गहरे मुताले का मुहताज है। आखिरी नतीजा वही निकलता है कि इक्तसादी तरक्की का प्रोग्राम फी जाते ही मकसूद नहीं है, गरीब को अमीर बनाना फी जाते ही मकसूद नहीं है। कुरान करीम का फलसफा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान करीम कहता है आजादी है बुनियादी चीज, आजादी के बगैर इंसान को तस्कीन नसीब नहीं हो सकती। वो काम करो जिसके नतीजे में कौमें आजाद हों और नफ्स आजाद हों, जमातें आजाद हों और अफराद आजाद हों, और उस आजादी की जिदोजहद में याद रखना कि गुर्बत भी गुलामी का एक जरिया है, गुर्बत भी गुलामी की जंजीरों का एक नाम है, और बेसहारा होना यह भी इंसान के किरदार को दूसरे का वो बिगाड़ता है और दूसरे का मोहताज करता है। इस्लाम ने जो इसके खिलाफ मंसूबा बनाया है वो तीन मुख्तलिफ जहतों से ताल्लुक रखता है। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ये जो तीन मंसूबे हैं, तीन मुख्तलिफ जहतें, अखलाकियात से भी इसका ताल्लुक है, नफ्सियात से भी इसका ताल्लुक है, और मैं तीन नोट्स रखे थे भाई, मैं बयान शुरू करता हूं, मेरे रस्ते बीच में याद आ जाएगा खुद ही।
पहली चीज जो कुरान करीम पेश करता है वो ये है कि महज किसी का पेट भरना काफी नहीं है, उसकी इज्जत नफ्स के साथ उसका पेट भरना जरूरी है। और अगर इज्जत नफ्स मजरूह होती है तो वो पेट भरना बेमानी है और कुरान करीम के नजदीक नेकी नहीं रहती। जिस तरह किसी की जरूरत पूरी करो, इज्जत नफ्स के साथ जरूरत पूरी करो, ये पहली शर्त लगाता है। दूसरी शर्त ये लगाता है कि उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम मेरे मोहताज नहीं हो, तुम्हारा राजिक खुदा ताला है, मैं उसकी मर्जी की खातिर, उसकी रजा की खातिर ये काम कर रहा हूं, इसलिए तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है और तुम किसी पहलू से भी मेरे ताबे नहीं हो। यहां तक कि तुम अगर शुक्रिया अदा करते हो तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जजा अगर तुमसे मिल गई तो फिर मैं तो खुदा की जजा से जजा का तालिब था, उस जजा पर इसका बुरा असर पड़ेगा। यह फलसफा है उसका बुनियादी। चुनांचे जिस शख्स की मदद की जाए उसकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए उसकी मदद की जाए, ये वो नफ्सियाती पहलू है जिस पर कुरान करीम ने बहुत जोर दिया है, क्योंकि गुलामी का आगाज नफ्सियाती गुलामी से शुरू होता है। और यह भी बड़ा वसी मजमून है, इसको आप दुनिया के जिस मजमून के ताल्लुक में मुतालिया करेंगे आप आखिर इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि गुलामी का गहरा ताल्लुक इंसान की नफ्सियाती गुलामी से है। एक अंदरूनी उलझन पहले पैदा होती है फिर इंसान गुलाम बनता है। चुनांचे कुरान करीम जिस आजादी का अलम बरदार है उसमें नफ्सियाती आजादी को बहुत अहमियत देता है। कोई शख्स नफ्सियाती लिहाज से किसी दूसरे इंसान का गुलाम और उसके ताबे ना हो जाए, और इसका अतात से कोई अतात के खिलाफ नहीं है। ये मजमून अतात का मजमून बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजाद मनुष्य लोग जिनके नफ्स कुल्लियतन आजाद होते हैं वो भी अतात करते हैं दूसरों की। कुरान करीम से पता चलता है कि अतात यानी खुदा ताला की सिर्फ नहीं बल्कि हाकिमों की भी जरूरी है, और वो आपके नफ्सियाती आजादी के खिलाफ नहीं है। हजरत यूसुफ ने अपने वक्त के बादशाह की अतात की थी, और यहां तक कुरान सूरह यूसुफ से पता चलता है कि अपने भाइयों को अपने पास रखने की भी आपको इस्तेआत नहीं थी, लेकिन कानून को नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपका नफ्स आजाद था, किसी नफ्सियाती उलझन के आप शिकार नहीं थे। ये वो मजमून है, जिसको इस पहलू से समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि कुरान करीम जब नफ्सियाती आजादी की बात करता है तो उससे क्या मुराद है। बहरहाल ये मजीद गौर तलब बातें हैं, इस सिलसिले में लंबी बातें करने का वक्त नहीं, इसलिए मैं अब दूसरा पहलू बयान करता हूं। दूसरा पहलू अल्लाह ताला कनात पर जोर देता है, और ये वो मजमून है जिससे दुनिया बिल्कुल आशना ही नहीं है, बल्कि सरमायाकारी के निजाम के बिल्कुल मुखालिफाना प्रोग्राम है। कुरान करीम की तालीम से पता चलता है कि इंसान के अंदर जो बेपनाह तलब का जज्बा पाया जाता है उसको कुरान करीम लुगामे पहनाता है, उसे कंट्रोल में लाता है और उसके जरिए इंसान को आजादी दिलाता है। चुनाचे ये ऐन मुमकिन है कि एक शख्स गरीब हो लेकिन कनात के जरिए वो दूसरे से आजाद हो जाए। बसाओकात ऐसे गरीब मिलते हैं जिनकी गुर्बत उनको मजीद गुलाम बनाती चली जाती है, अपनी हिरसो हवा के नतीजे में पहले वो नफ्स के गुलाम बनते हैं फिर हर दूसरे का गुलाम बन जाते हैं। बस गुलामी के फलसफे में इस बात को बहुत गहरा दखल है। जब मैंने कहा कि अपने नफ्स को आजाद करो, उससे यह मुराद थी कि वो शख्स जो खुद हिस्सो हवा का शिकार है, जिसकी तलब की कोई हद नहीं है, वो दूसरे को आजाद करवा ही नहीं सकता क्योंकि खुद भी वो दूसरों का गुलाम बन जाता है। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है कि तुम कनात पैदा करो, अगर तुम्हें अपनी मर्जी की चीजें मयसर नहीं तो अपनी मर्जी की शाख तराशी शुरू कर दो।
और जहां तक मुमकिन है अपनी मर्जी को कम करते चले जाओ और मुस्तगनी होते चले जाओ। क्योंकि आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि असल गिना दौलत के जरिए या जायदाद के जरिए नसीब नहीं होती, असल गिना गिना नफ्स है। यानी अगर नफ्स गनी हो जाए, दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि मुस्तगनी हो जाए, तो दौलत नसीब हो जाती है। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो वाकया बयान किया बड़ा दिलचस्प, जो मैं पहले भी कई दफा बयान कर चुका हूं, उसका इसी मजमून से ताल्लुक है। एक दफा कश्मीर के जब वो महाराजा जम्मू कश्मीर के काम किया करते थे, तबीब थे, शाही तबीब थे, सैर के दौरान आपने एक ऐसे फकीर को देखा जो एक लंगोटे में रहा करता था, बहुत ही गरीबाना हालत थी, लेकिन उस दिन वो खुशी से उछल रहा था और बहुत बड़े बड़े नारे लगा रहा था। तो खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको खलीफतुल मसीह अव्वल नहीं थे, हकीम नूरुद्दीन थे, उन्होंने पूछा कि बाबा ये क्या बात है, आज तुम क्यों इतना खुश हो, क्यों इतना उछल कूद रहे हो, आखिर तुमने क्या पा लिया है? तो उसने जवाब दिया कि हकीम साहब, जिसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएं वो खुश ना हो, क्या वो खुशी की तराने ना गाए? हजरत हकीम नूरुद्दीन ने पूछा कि मैं तो तुम्हें आज भी उसी तरह एक लंगोटे में देख रहा हूं, तुम्हारे बदन पे कुछ नहीं है, वही है, उसी तरह हालत है जो पहले थी, और वही वही गुर्बत के आसार है, तुमने पा क्या लिया है, मुरादें तुम्हारी कौन सी पूरी हो गई है? उसने कहा हकीम जी तुसी नहीं समझते, जिदी मुराद ही कोई ना रहे उदी पूरी ही पूरी है। ये हकीम साहब आप नहीं ये बात समझते, जिसकी मुराद ही कोई ना रहे उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। तो कनात भी एक आजादी का रास्ता है, इसका कोई भी तस्वुर दुनिया के किसी और निजाम और फलसफे में नहीं है। कुरान करीम इसको पेश करता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रोशनी डालते हैं और इसके मुताबिक तरबियत फरमाते हैं। बस अपनी जरूरतों को कम करो और कोशिश करो कि जो कुछ तुम्हें नसीब है उसी के अंदर रहो। जैसा कि मैंने बयान किया था, जो इक्तसादी निजाम है दुनिया का वो इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। उसका बुनियादी फलसफा यह है, उसकी बका का राज इसमें है कि तलब को बढ़ाओ। जितनी आप तलब बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आर्टिफिशियल और मसनूई जिंदगी की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। चुनाचे अफ्रीका के दौरे पर जब मैंने ये बातें देखी तो उनके सरबराहों से भी, दूसरे दानिशवरों से भी मैंने खासतौर पर यह बात पेश की। मैंने कहा आपकी निजात तो कुरान करीम की इस तालीम में है कि आप अपनी तलब कम करें। आप गरीब मुल्क हैं, आपको यह हक नहीं है कि आला टेलीविजन के याशी के प्रोग्राम देखें, मर्सिडीज बाहर से मंगवाएं और अपनी सड़कों पर उनको दौड़ाएं। आपकी गरीबाना हालत आपको इसकी इजाजत नहीं देती। और आप तलब बढ़ा, अपनी तलब ही सिर्फ आर्टिफिशियल यानी मसनू तरीके पर पूरी नहीं कर रहे, बल्कि अपने गरीब आवाम की तलब बढ़ा रहे हैं। और ये ज्यादा देर तक इस तरह नहीं रहेगा सिलसिला। अफ्रीका बड़ा सब्र करने वाला खत्ता है, लेकिन सब्र की भी हदें होती हैं। जब आप तलब को आजाद कर देंगे तो एक मौका ऐसा आएगा कि ये आवाम जो आप समझते हैं कि सब्र से बैठे हुए हैं, खामोश हैं, इनकी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं, ये उठ खड़े होंगे, अफ्रीका में फसादात शुरू हो जाएंगे। चुनाचे इस पहलू से मैंने बाज जगह मिसालें दी कि सबसे ज्यादा मुतासर मैं गैम्बिया के सदर की पॉलिसी से हुआ हूं, जिन्होंने बड़ी बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए यह फैसला कर रखा है और इस फैसले पर कायम है कि अपने अवाम के लिए जब तक बुनियादी जरूरतें पैदा करने की मुल्क में कोशिश न जारी हो, उनकी तलब आजाद नहीं होने दे रही। चुनाचे कोई टेलीविजन नहीं है वहां, और सख्ती के साथ वो इस पॉलिसी पे कारबंद हैं कि ना सिर्फ ये कि टेलीविजन नहीं, बल्कि सारे अफ्रीका में सबसे कम कारें वहां आपको नजर आएंगी। आम गरीबाना जिंदगी है और वो उनका जोर है कि कम से कम चीजें बाहर से मंगवाई जाएं। बाहर की दुनिया ऐश कर रही है तो इसलिए करती है कि वो खुद उस ऐश के सामान पैदा करती है।
हम लोग ऐश के समान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमारा हक नहीं है कि हम वो ऐश करें। ये वो पॉलिसी है उनकी जो ऐन कुरानी कनात की पॉलिसी के मुताबिक है। इसी वजह से आप ये देख के हैरान होंगे कि नाइजीरिया बावजूद इसके कि सैकड़ों गुना ज्यादा अमीर है गैम्बिया से, वहां बेचैनी ज्यादा है और गैम्बिया में बेचैनी कम है। नाइजीरिया में क्राइम और जराइम ज्यादा है और गैम्बिया में तकरीबन मफकूद है, यानी गुर्बत के बावजूद चोरी नहीं है। और जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है पता लगता है कि किसी और मुल्क का आया हुआ है। तो कनात के मजमून को अगर आप समझें तो ये अजीम शान फवायद रखता है बनी नौ इंसान के लिए और सच्ची आजादी का पैगाम देता है। चुनांचे कुरान करीम पहले नफसियाती आजादी का हुक्म देता है, फिर कनात का हुक्म देता है, फिर उसके बाद जो तीसरा हुक्म है कुरान करीम के आजादी का प्रोग्राम वो ये है कि अब किसी के सामने खुद हाथ ना फैलाओ। ये तो कनात के नतीजे में पैदा होता है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, बल्कि ये है कि तुम हकूक की तलब की बजाय दूसरों के हकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो करो। और ये तीसरा पहलू कौम के रुझान को बिल्कुल का रुख बदल देता है। बिल्कुल बहुत सी दुनिया में जुदोजहद और बेचैनियां ऐसी हैं कि जब इंसान समझता है कि मेरे पास नहीं है तो वो दूसरे से छीनने की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और इस रुझान के नतीजे में कभी भी इतदाल पे कायम नहीं रहता, वो हमेशा दूसरे से हक के हक से बढ़कर, अपने हक से बढ़कर दूसरे का हक छीनने की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। और जितनी तहरीकात हैं इश्तराकी दुनिया में हों या गैर इश्तराकी दुनिया में जिनमें गरीबों को उभारा जाता है, वहां उभारने के लिए बुनियादी मुहर्रिक यही रहता है कि उठो और छीन लो। अगर तुम मजदूर हो और सरमायाकाराना इलाके में रहते हो तो हड़तालों के जरिए या जहां तक बस चले तोड़फोड़ के जरिए अपने मालिकों से ज्यादा छीनने की कोशिश करो। और इश्तराकी पैगाम यह है कि तुम अपने मालिकों को के सारे निजाम को उखेड़ फेंको और हर जायदाद पर कब्जा कर लो, हर दौलत के जरिए को अपना लो, ये तुम्हारी जिंदगी और अमन का पैगाम है। इन दोनों पैगामों के नतीजे में एक ऐसी बेतमीनानी जन्म लेती है और छीना झपटी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो ममालिक जो इश्तराकी ममालिक हैं उनमें भी सब कुछ हासिल होने के बावजूद तलब बाकी रह जाती और जबरदस्ती डंडे के जरिए इस आजाद किए हुए जिन को दोबारा बोतल में घुसेड़ने की कोशिश की जाती। चुनाचे दूसरा इसके नतीजे में एक और गुलामी पैदा होती है जिसके लिए इश्तराकी हुकूमतें मजबूर हैं। वो जब भी अपने निजाम में नरमी पैदा करें जरा से भी, जिस तरह आजकल हमारे रूस के सदर गोर्बाचोव साहब कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, उसके नतीजे में थोड़ी सी वो कोशिश करते हैं और अचानक लोगों की तवज्जो हकूक की लेने की तरफ और फिर हकूक से बढ़कर लेने की तरफ शुरू हो जाती है। और इस तजाद में फंसकर ये लोग बेख्तियार हो जाते हैं, आजादी देना भी चाहें तो दे नहीं सकते क्योंकि वो समझते हैं आजादी देने का मतलब यह है कि हकूक की तमन्ना आजाद करो और हकूक की तमन्ना आजाद करने का मतलब यह है कि फिर सारी हदें फलांग देखो। ये तजर्बे रूस के बाद हिस्सों में अभी से न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं बल्कि खतरात की घंटियां बजा रहे हैं। और आर्मीनिया वगैरह के इलाके में जो फसादात हुए हैं हाल ही में वो इसी गोर्बाचोव की आजादी की पॉलिसी के नतीजे में हुए हैं। बस आप गौर करके देखें तो इस किस्म के इक्तसादी प्रोग्राम जैसे कि दुनिया का फलसफा पेश करता है मोहताज हैं गुलामी के और गुलामी के बगैर चल नहीं सकते। ये कौमें मजबूर हो जाती हैं अपने अदना तबकात को गुलाम बनाने, गुलाम रखने पर। और गुलामी से आजादी के नाम पर जो वसी इश्तराकी ममालिक वजूद में आए हैं वो चल नहीं सकते अगर वो खुद गुलामी की जंजीरें मजबूत न करें और उन्हें हमेशा पहनाए न रखें कौम को। ये वो गैर इस्लामी फलसफा है। इसके मुकाबले पर कुरानी फलसफा देखें
ये कितना अजीम शान आजादी का पैगाम लाता है। नफ्स की आजादी तमन्नाओं से, ख्वाहिशात से उनको मुतदिल करना, इज्जत नफ्स का क्याम करना और गैर की चीजों की तरफ लालच की नजर ना डालना, बल्कि कोशिश ये करना कि आप दूसरों के हकूक अदा करने वाले हों, खा आपको हकूक छोड़ने पड़े। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ रुख है जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं है। सारा कुरान करीम इशार की तालीम से भरा पड़ा है, वो यही तालीम है कि तुम ये कोशिश करो कि तुम्हारा हक चाहे रह जाए लेकिन तुम्हारे भाई का हक ना रहे तुम्हारे ऊपर। इसलिए ये इसी तरह पूरा हो सकता है कि तुम हक से ज्यादा अदा करने की कोशिश करो। बस जिस आजादी की का यह मजमून बयान हुआ है वो इस किस्म की आजादी है जिसके लिए जमात अहमदिया को अपने नफ्स से भी कोशिश करनी होगी और गैरों में इस आजादी की तालीम को वजाहत के साथ पेश भी करना होगा, और जहां जहां मुमकिन होगा इंशाल्लाह ताला जमाती प्रोग्रामों के जरिए भी गरीब कौमों की आजादी के लिए जमात कोशां होगी। और जैसा कि मैंने बयान किया था इस सिलसिले में मनसूबे कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और आइंदा मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 100 साल में जमात अहमदिया को इस पहलू से अजीम शान खिदमत बनी नौ इंसान की तौफीक मिलेगी। इस जमन में मैं आपको एक दफा फिर इस बात की तरफ मुतवजह करना चाहता हूं कि फक्र और रकबा सिर्फ गुर्बत को दूर करना नहीं है। फक्र और रकबा का मजमून बहुत ही वसी है और ये मजमून कुल्लियतन ला इलाहा इल्लल्लाह के मजमून से हम आहंग है और एक दूसरे के साथ मुताबकत रखता है। इसलिए ये मजमून गुर्बत के मामले में भी दूसरे फलसफों के तसव्वुर से बहुत ज्यादा बाला और बुलंदतर है, लेकिन अपने दायरे में इससे कहीं ज्यादा वसी है कि आप इसे सिर्फ महदूद तौर पर गरीबों की खिदमत के रंग में देखें या गरीब कौमों को इक्तसादी गुलामी से आजाद करने के रंग में देखें। ये मजमून है इंसान को हर उस एहतियात से आजाद करने का मजमून जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ उसकी नजर हो, उसकी रहमत की, उसके कर्म की, उसके किसी और के दस्तनगर होना पड़े। चुनांचे कुरान करीम की तालीम इंसान को कुल्लियतन इन बातों से आजाद करती है और इसका मोरालिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसका अखलाकियात से बहुत गहरा ताल्लुक है। कोई शख्स जो आला अखलाक पर फायज ना हो वो हकीकत में आजाद नहीं हो सकता, और जो शख्स हिस्सो हवा का मोहताज होगा वो उसी हद तक गैरुल्लाह की तरफ झुकने पर मजबूर होगा। ये वो वसी तर मजमून है जिसके ऊपर मजीद गौर की जरूरत है, मजीद फिक्र की जरूरत है और रोजमर्रा अपने नफूस का जायजा लेने की जरूरत है। बस अगली सदी को हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये है वो इद्दिया जिसका मैंने ईद पर इजहार किया था। चुनाचे ये जो चंद गलतफहमियां उस मजमून से पैदा हो सकती थी वो मैंने आज दूर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आजादी के कुरानी मजमून को इस वसी तर दायरे में पेश नजर रखेंगे और इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल और उसकी दी हुई तौफीक के साथ ना सिर्फ खुद आजाद होने की कोशिश करेंगे बल्कि तमाम दुनिया को सच्ची आजादी का पैगाम देने वाले होंगे। और मैं ये कामिल यकीन रखता हूं कि सारे बनी नौ इंसान की आजादी अहमदियत से वाबस्ता है और अहमदियत पर मुनहसर है। इसलिए आज की नस्लों की बहुत भारी जिम्मेदारी है, हमें बाशऊर तौर पर आजादी के अलम बरदार बनकर अगली सदी में दाखिल होना है। और ये प्रोग्राम अगरचे अहमदियत के साथ ही आगाज पा चुका है लेकिन इस तरह बाशऊर तौर पर मंसूबों की शक्ल में अगली सदी में ये अनफोल्ड होने वाला है। यानी जिस तरह फिल्म खुलती है या और
कहानी मंजर पर उभरती चली जाती है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला अगली सदी में जमात अहमदिया की आजादी के मामले में जुदोजहद नुमाया नखूश बनकर उभरेगी और दुनिया इससे ज्यादा से ज्यादा मुतारिफ होती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसकी कमाह को तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम ने जो इस जमन पर मुख्तलिफ पहलू बयान फरमाए हैं उनसे मुतल्लिक ये कुछ आयात मैंने इकट्ठी की थी ताकि आज इसके ऊपर रोशनी डालूंगा, लेकिन ये जो वजाहतें थी इन्होंने ही सारा वक्त ले लिया है, इसलिए आइंदा कभी मुख्तलिफ मजामीन के बयान की वक्त में इंशाल्लाह ताला इन उमूर को की याद दहानी आपको करवाता रहूंगा। इस वक्त सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम का जो आजादी का तसव्वुर है यानी गरीब की गुर्बत दूर करने में आजादी का तसव्वुर वो इतना बुलंद और इतना अजीम शान है कि उसकी गुना को पाना तो क्या, उसकी जूतियों की खाक को भी दूसरा कोई दुनिया का फलसफा पहुंच नहीं सकता। आमतौर पर ये नजरिए मैंने जैसा कि बयान किया था, ये ख्याल किया जाता है कि जब आप किसी की जरूरत पूरा करते हैं तो उससे मुकाबले पर उससे एहसान का तसव्वुर ना उससे एहसान की तमन्ना नहीं करते, ये एक नहायत आला चीज है। और गोया इस्लामी तालीम सिर्फ यहीं तक महदूद है कि जब भी आप किसी की खिदमत करें मुकाबले पर उससे कुछ बदलाना चाहें, लेकिन यही बात नहीं खत्म होती। इस्लाम इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ता है, वो ऐसा कदम है जो अकल को हैरान कर देता है। वो कदम यह है कि बाज दफा वहां भी तुम्हें खिदमत करनी पड़ेगी जहां से तुम्हें शदीद तकलीफ पहुंची, ऐसे बदबातिन लोगों की भी खिदमत करनी पड़ेगी तुम्हें इंसानी आजादी के नाम पर जिन्होंने जुल्म की हद कर दी। और इस पहलू से उनको बनी इंसान को वह यह आजादी है कि वो तुम्हें तकलीफ बेशक पहुंचाएं, लेकिन यह यकीन होना चाहिए उनको कि कुरान करीम ने जो उनके हकूक महफूज कर दिए हैं तुम वो हकूक उनके नहीं छीनोगे। ये वो अजीब और बुलंदतर मजमून है जिससे इंसान की आंखें नजर चुंधियाने लगती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर एक नहायत ही गंदा और भयानक इल्जाम लगाया गया। मैं इस पहलू से जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर के मुतल्लिक आगे बात आने वाली है। वैसे तो उम्मुहातुल मोमिनीन में से थी और ये कहना चाहिए कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन जो वाकया मैं बयान करना चाहता हूं उसमें यही तंबीह बेहतर है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिल के बे इंतहा हलीम थे और गरीबों के बहुत ही हमदर्द, अपने गरीब मफलूकुल हाल रिश्तेदारों की मदद करने वाले। चुनांचे एक ऐसे रिश्तेदार की भी आप मदद किया करते थे जो उन जालिमों में शामिल था जिन्होंने हजरत आयशा सदीका पर इल्जाम लगा दिया, उन जालिमों में शामिल हो गया जिन्होंने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया। अब ये सफाकी की हद है, एक तरफ तुम एक उसकी मोहताज हो मुसलसल कोई शख्स किसी शख्स के जो इतना शफीक इतना मेहरबान है कि मख्फी हाथों के साथ दुनिया को पता ही नहीं कि तुम्हारी मदद हो रही है, वो तुम्हारी तकलीफें दूर करने में कोशां है, और जो शख्स उसकी पाकीजा बेटी के ऊपर एक नहायत ही भयानक और गंदा इल्जाम लगाते हैं तुम उनके अंदर शामिल हो जाते हो। इसके नतीजे में हजरत अबू बकर ने भी मदद से हाथ खींच लिया, हालांकि बहुत हलीम थे, सिद्दीकियत के मुकाम पर फायज थे, इतना रोशन जमीर था, उसके बावजूद आपने समझा कि अब तो हद हो गई है, अब इसके बाद इस शख्स ने खुद अपना इस्तेहकाक खत्म कर दिया है और ऐसे जालिम और सफाक की इमदाद का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। कुरानी तालीम की अजमत देखें,
अल्लाह ताला ने इल्हामन कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके नसीहत फरमाई और इस वाक़े की तरफ इशारा किया और ये कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, वला यातल उलुल फज़्ल मिनकुम वसअतियन यूतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। कि हरगिज वो लोग जिनको खुदा ने फजल अता फरमाया है, माली बरतरी बख्शी है और वुसअत अता की है, ऐसी कस्में ना खाएं, ऐसे इरादे ना करें कि यूतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में मुहाजिरीन और उलिल क़ुरबा और मसाकीन की जो खिदमत दिया करते थे उससे वो हाथ रोक लें। वल याफू वल यस्फहू, वो दरगुजर करें और अफ़ से काम लें। अला तुहिब्बूना, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमसे मग़फ़रत का सुलूक फरमाए और अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है। इसमें तीन गुरुओं का जिक्र फरमाया है, यूतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, लेकिन जहां तक हमें इल्म है वो एक ही शख्स था, वो किसी इनमें से किसी एक गुरोह से ताल्लुक रखता था और जहां तक तारीख बताती है वो उल क़ुरबा में से था। लेकिन मालूम होता है कि इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एक इस्लाह फरमाई गई एक पहलू से, और दूसरे पहलू से उनकी दिलदारी भी फरमा दी गई ये फरमाकर कि आप आदतन उलुल क़ुरबा की भी खिदमत करते हैं, मसाकीन की भी खिदमत करते हैं और मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह की भी खिदमत करते हैं, और आपकी शान ये नहीं है कि किसी भी तकलीफ के नतीजे में किसी भी वजह से इन खिदमतों से हाथ खींच लें। इसी वजह से, यानी इस मजमून को पेश नजर रखते हुए, मैंने रब्बा में गौरवा की इमदाद की कमेटी को यह हदायत की कि आप जब फैसले करते हैं फलां जरूरतमंद है तो उस फैसले में अमूरे आमा से ये रिपोर्ट को लेते हैं कि उसने कभी कोई जमात के खिलाफ काम तो नहीं किया था, कभी उसने निजाम की खिलाफवर्जी तो नहीं की थी, क्योंकि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इतना भयानक इल्जाम लगाने वाले, इतना जुल्म करने वाले कि हक की हिफाजत कुरान ने की थी, तो आज आपको क्या हक है कि हकीकी मोहताज की मदद से अपने हाथ रोक लें इसलिए कि वो किसी गलती का मुर्तकिब है, किसी मामले में जमात निजाम जमात से ताबुन नहीं करता या इबादतों में कमजोरी दिखाता है। ये दो अलग अलग मजमून है। चुनाचे मजहब से भी कुल्लियतन इस मजमून को कुरान करीम ने आजाद कर दिया, मजहबी इख्तलाफ से भी कुल्लियतन आजाद कर दिया, बल्कि मजहबी मामला में मुखालफत करने वालों की भी ऐसे मौके पर मदद की तलकीन फरमाई गई है। चुनाचे इसीलिए याद है कि हजरत मुस्लिम मौऊद रजी अल्लाह तआला अन्हो बाज़ दफा शदीद मुआनिदीन के मुतल्लिक भी नजर रखते थे कि उनको अगर कोई जरूरत है तो जरूरत पूरी की जाए, और इस ज़िमन में मौली जफर अली खान साहेब को जब आखिरी अयाम थे डलहौजी में मरी में, तो डॉक्टर हजमतुल्ला साहब को आपने तकलीफ फरमाई कि बाकायदा उनकी याद के लिए जाओ, उनका इलाज करो और इस ज़िमन में उनके ऊपर कोई माली बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और ये इसलिए नहीं था कि नऊज़ बिल्लाह कोई इश्तहारबाजी की जाए, हज़रत मुस्लिम मौऊद खुद उन दिनों में शदीद बीमार थे, लेकिन अपने जाती डॉक्टर को कहा कि तुम उनकी फिक्र करो, वो मोहताज है, क्योंकि आपको ये इत्तला मिली थी कि इस हालत में वो बेचारे मफलूकुल हाली की हालत में वक्त गुजार रहे हैं कि जिस कौम ने उनको लीडर बनाया हुआ था वो उनको भूल चुकी है, कोई उनकी खिदमत नहीं कर रहा, कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई तबीब मुयस्सर नहीं है। चुनांचे इस्लामी तालीम की अजमत इस बात में है कि गरीब के हकूक और जरूरतमंद के हकूक को कुल्लियतन आजादी अता की गई है। फक़्र रक़बा इसको कहते हैं कि मजहब से भी आजादी है कुल्लियतन, और इन लोगों को यह भी हक दे दिया गया है तुम बेशक हमारी मुखालफत करो, लेकिन खुदा कहता है कि हमने तुम्हारी जरूरत को बगैर गुलामी के पूरा करना है।
इसलिए कोई जंजीर तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुमने जो कुछ करना करते रहो। हमें जो हुक्म है वो यही है कि हम तुम्हें अब तुम्हारी मुसीबतों और जरूरतों से भी आजाद कराएं। ये आला दर्जे की तालीम है जिसको समझकर, जिस पर अमल पैरा होते हुए हमने बफजल ही ताला अगली सदी में दाखिल होना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक मुख्तसरन और बात यह कहनी चाहता हूं कि जब से इंग्लिस्तान आया हूं उस वक्त से ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता हुआ देखा है कि जिनके कोई अजीज फौत हों वो मुझे नमाज जनाजा गायब के लिए कहते हैं। इब्तदा में ये रुझान बहुत कम था और चूंकि मैं पाकिस्तान से बाज हालात की मजबूरी की वजह से यहां आ गया और उन पाकिस्तानी अहमदियों की दिलदारी का ख्याल ज्यादातर पेश नजर था, इसलिए इस ख्याल से कि उनको महरूमी का एहसास न हो कि मैं वहां नहीं हूं, वरना शायद मैं खुद उनका जनाजा, मैंने महरूमी का जनाजा पढ़ता, मैं ऐसी दरखास्तों को मंजूर करता रहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने खुतबे में ये ताकीद की कि अब ये रस्म बनती जा रही है, बहुत बढ़ रही है, इसलिए मेरी दरखास्त है कि दोस्त इज्तनाब करें। अगर वो मुझे लिखेंगे तो मेरे लिए इनकार बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप खुद इज्तनाब करें, इसे एक ऐसी रस्म ना बना दें जो हमारे काबू में न रहे। बस ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है एक दो महीने इस नसीहत पर अमल हुआ होगा, फिर उसके बाद एक बंद टूट गया और इस कसरत से फिर अब दरखास्तें आनी शुरू हुई कि जो जिन पर अमल करा मुमकिन ही नहीं है, वरना जुमा नमाज जनाजा पढ़ाने का दूसरा नाम बन जाएगा। ये खुद मैं महसूस कर रहा था कि अब ये मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है कि मुकर्रम मलक सैफुर्रहमान साहब मुफ्ती सिलसिला को भी ये तहरीक हुई। उन्होंने उस वक्त कैनेडा में थे, उन्होंने मुझे लिखा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि अब ये कुछ ज्यादा ही बात बढ़ती चली जा रही है। जहां तक फतवे का ताल्लुक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी हबशा के बादशाह नजाशी का नवाज जनाजा गायब पढ़ाई थी, और इसलिए ये तो नहीं कोई कह सकता कि यह जायज ही नहीं है, मगर मुख्तलिफ उलमा और मुफ्तियों ने उससे नतीजे मुख्तलिफ निकाले हैं। बाज के नजदीक ये इसलिए नहीं था कि इजाजत है अब बाकी लोग भी नमाज जनाजा गायब पढ़ सकते हैं, बल्कि इसलिए था कि खुदा ताला ने वही के तौर पर, वही के जरिए खास तौर पर नजाशी की इजाजत दी थी, और ये फेल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास था। बाज दूसरे फुकहा कहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर ऐसी कोई बात होती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा देते कि सिर्फ मैं नजाशी की पढ़ रहा हूं, तुम्हें इजाजत नहीं है, क्योंकि बाकियों को मना नहीं फरमाया गया, इसलिए एक अमूमियत का हुक्म है। लेकिन उनका भी यही रुझान है कि ये इस्तिस्नाई शक्ल जरूर है, इजाजत तो है लेकिन इस्तिस्नाई शक्ल है और इसे अमूमियत नहीं देनी चाहिए। मैंने चूंकि मेरी इस बात पर नजर थी, मगर मैंने चूंकि एक इस्तिस्नाई हालत ऐसी देखी जिसका एक वसी इलाके से ताल्लुक है, जिस तरह नजाशी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तमन्ना थी और आप वहां नहीं जा सकते थे, वो फासले और हालात ऐसे हायल थे, वैसे ही मुमकिन नहीं था, इसलिए ये इस्तिस्ना बना। तो उन्हीं हालात में अगर इस्तिस्ना ज्यादा हो जाए तो फिर ज्यादा इस्तिस्नाई हालात पैदा हो जाते हैं। मेरे जहन में ये इस्तदलाल था, इसलिए मैंने समझा कि जब तक पाकिस्तान में नहीं जा सकता, पाकिस्तान के अहमदियों का खसूसियत के साथ यह हक बनता है कि इस्तिस्नाई हालात समझते हुए उनकी नमाज जनाजा गायब पढ़ा दिया करूं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बयान किया तरद्दुद था कि यह बहुत ज्यादा रस्म न बन जाए। मलिक साहब ने जब तवज्जो दिलाई तो उस वक्त फिर मैंने यही मुनासिब समझा और मलिक साहब ने मशवरा भी यही दिया कि वहां पाकिस्तान में सदर अंजुमन के सुपुर्द ये मामला किया जाए, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें और ये कदगन लगा दें कि जिसने मुझे दरखास्त करनी है वो वहां सदर अंजुमन की मार्फत दरखास्त करें।
मुझमें अगर ताकत ने इनकार की तो उनमें निस्बतन आसानी इसमें ज्यादा ताकत होगी, वो देख लेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर मुस्तहिक समझेंगे तो सिफारिश कर देंगे, और वरना वो इनकार कर देंगे। तो सरे दस्त मैंने मलिक साहब की सिफारिश को मंजूर करते हुए मामला सदर अंजुमन अहमदिया के सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान वो इस्तिस्नाई हक जो खुले खुले वक्त को होता है कि अगर किसी के मुतलिक वो गैर मामूली तौर पर ये मुतमिन हो कि इसकी नमाज, इसका मुकाम ऐसा है, मरतबा ऐसा है, खदमात ऐसी हैं कि ये हकदार है कि इसकी नमाज जनाजा गायब मैं खुद पढ़ाऊं, तो वो तो अपनी जगह एक जारी एक हक बाकी रहेगा, वो उसका इस नई सूरत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके सिवा जो दोस्त मुझे अब लिख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सरे दस्त लिखना बंद कर दें। अमरे वाकया यही है कि बहुत ही ज्यादा रुझान बढ़ गया था और आइंदा एक इसके नतीजे में बदरसूम भी पैदा हो सकती थी। हजरत खलीफतुल मसीह सानी तो मुझे याद है कि जुमे के बाद कोई नमाज जनाजा गायब तो नहीं पढ़ाया करते थे, तो मलिक साहब आपको याद है? हाँ। और जो जनाजा कभी होता था हाजिर में जनाजा तो हो जाता था, लेकिन गायब जनाजा हजरत खलीफतुल मसीह सानी का भी यही तरीक था कि जुमे के बाद जनाजा पढ़ाने से परहेज किया करते थे और कह दिया करते थे कि बाद में असर के वक्त ले आओ या किसी और दिन करो, हो जाएगा जनाजा दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो मजबूर इस्तिस्नाई हालात की वजह से जो शुरू किया था सिलसिला, अब चूंकि काबू में नहीं रहा, इसलिए मजबूरन और माजरत के साथ मैं इस तरीक को बदल रहा हूं, और उम्मीद है दोस्त इससे दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, यानी दिल आजारी महसूस नहीं करेंगे, ये मकसद नहीं है, मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر